अच्छा, तो एक इंतहाई सुस्त इंसान को रमजान में घर से बाहर निकलते हुए देखा है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल दोस्तों, मैं हूं आसाम लोदी और गाइस आप देख रहे हैं आसाम के व्लॉग्स। तो गाइस मैं आ गया हूं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, रमजान रूटीन। रमजान में सब जल्दी जल्दी घर जाने की करते हैं, पर आपके सामने एक ऐसा शार्ट इंसान बैठा हुआ है जो गर्मी में निकला ब्लॉक के चक्कर में। मैंने रास्ते में अली रजा भाई को उठा लिया था। से उठाओगे कैसे? अली रजा भाई बहुत अच्छे रैपर हैं, वो बहुत अच्छा रैप करते हैं, लिखते हैं, पर मैं रोजे की हालत में हूँ इस टाइम, इससे रैप नहीं करवाऊंगा। और मेरी हालत देख रहे हो, मैं यहाँ पे इस टाइम कटिंग करवाने आया था, तो कटिंग भी करवाना है, पीछे आप गिटार देख रहे हैं इसका स्ट्रिंग बनवाना है, और दो तीन कुछ शॉपिंग भी करनी है। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको प्रिंस रोड या फिर अपने कोयटा की डिटेल्स बताऊं। इसमें मैं कटिंग करवाने आया था, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ में आपको ये भी बता दूं कि यार प्रिंस रोड में आपको बलूची चवट वगैरह ये सब कुछ आपको मिलेगा। प्रिंस रोड तो मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, मैंने कहा यार कटिंग वगैरह करवाता हूँ, तो आ तो गया हूँ मैं इस जगह पर। मैंने यहाँ पर सुना है बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स खुले, तो पूछते हैं अभी इनके यार मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, कितना रेट है, क्या है, क्या सीन है, वो मुझे नहीं पता, तो अब पूछते हैं जाकर के यार क्या चार्जेस है। मैं एक शॉप पे आ गया हूँ, मैं यहाँ से पूछता हूँ कि यार यहाँ के रेट्स क्या चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो आप? खैरियत से हो? तबीयत कैसी है? यार मैंने ना कटिंग करवानी है बालों की, तो रेट्स क्या है? बस कटिंग का 200 रुपये ले रहे हैं, दाढ़ी का 150। आगे देखिए थोड़ा, आगे देखते हैं हम फिर, ठीक है, बात कर लेंगे इंशाल्लाह। बालों की चार्जेस क्या होंगे? कटिंग के हिसाब से होता है। कटिंग का 200 और दाढ़ी का 150। मैं यहाँ पे हूँ, बाल का 200, दाढ़ी का 150। अच्छा, तो काफी कटिंग वालों से हम लोगों ने पूछ लिया कि यार रेट्स क्या चल रहे हैं, तो फिर मुझे अली रजा भाई जो छुपे रुस्तम है उन्होंने बताया कि यार इधर गली में एक है आरिफ नाम का, बहुत क्लासी कटिंग करता है, तो उसके पास चलते हैं, ठीक है? नहीं नहीं मैं अभी कटिंग करवाऊंगा। आरिफ कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक ठाक। यार बालों की और बियर्ड की क्या चार्ज है? नहीं नहीं मैं नहीं मानता यार, मैं इसी से करवा रहा हूँ। तो जितनी मैंने तारीफ सुनी थी, अल्लाह करे यार आरिफ भाई उस पे उतर भी जाए, मैं बहुत डरा हूँ, फर्स्ट टाइम है, ठीक है। अरे भाई अच्छी कटिंग करना है यार, स्माइल देख रहे हो लोंडे की। जैसे जैसे बाल कटते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, मेरा दिल वैसे ही वैसे बैठता जा रहा है, और मैं डर रहा हूँ कि यार पता नहीं ईद तक सेट हो जाएंगे नहीं होंगे, क्योंकि यार डैंड्रफ बहुत ज़्यादा था, जो सच्ची बात है, छुपाऊंगा नहीं कुछ, तो इस वजह से मुझे कटवाने पड़े बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो वो कुछ लोग कहते हैं कि यार कभी कटिंग वाले से पंगा नहीं लेना, क्योंकि उनके हाथ में उस तरह होता है, देर वेर गया ना बस ज़ाया वाया हो जाओगे। बालों की कटिंग मैंने करवा ली, आप लोग देख सकते हैं पता नहीं कैसा लग रहा हूँ मैं, तो अब रह गई दाढ़ी की कटिंग, तो अब वो भी जल्दी जल्दी हो सकते हम आगे की तरफ निकले, और गाइस आप लोगों ने बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। गाइस असम बाल बनवा रहे हैं। अच्छा, अभी हमें और काम भी बाकी है, हाँ गिटार के स्ट्रिंग भी सेट करवाने। अच्छा,
असम में कुछ शॉपिंग भी करनी है अगेन। अच्छा, और 5:30 हमें यहीं पे बच गए हैं। बस कर दे भाई, मुश्किल है कि हम 8 तारीख तक वहाँ पे पहुँचे। तो देखते क्या होता। अरे फुसास, दुकान कितने बजे? माशाल्लाह आपने 1000 रुपए दिया, जल्दी छुट्टा दो। अली वो कहते हैं ना कि डोंट जज योर बुक बाय इट्स कवर, तो यकीन मानो ये कवर है और बुक में इसका बताता हूँ। हाँ तो ये लग रहा हो ना हैंडसम, ये मतलब रिजल्ट है, चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है तो चलते हैं आप आगे। कोट वगैरह भी देखना था, शूज वगैरह भी देखने हैं और टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, तो समझ नहीं आ रही कि क्या क्या होगा। काफी शॉप से मैंने जाके देखा और जो वाला कोट मेरे को चाहिए था, जो डिजाइन मेरे को चाहिए था वो तो था ही नहीं, और ऊपर से जो उनके डिजाइन थे जो चीज मैं ढूंढने आया था वो चीज तो मुझे मिली नहीं, और मैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि यार ये ऑर्डर पे ही बनेगा। कोट वाली जगह से डिसार्ट होने के बाद फिर मैंने सोचा चलो यार कोई नहीं, अब शूज देखता हूँ, शूज जाके लूंगा, बड़े क्लासी शूज लूंगा सोचे, बहुत अच्छे से थे पर वहाँ भी कुछ ऐसा हो गया कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, बयान ही नहीं कर सकता, मेरे दिल का हाल सिर्फ मैं ही जानता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो आप? खैरियत से हो? तबीयत कैसी है? यार मुझे एक शूज चाहिए था, वो शाइन वाला होता है, इस तरह के शूज में होते हैं वो, इस तरह के शूज में, शाइनिंग वाले में चाहिए। नहीं ये चीज नहीं है, ये खंदारी बाजार उजना रोड में मिल जाएगा। तो अब इसके लिए मुझे जिना रोड जाना पड़ेगा। यार एक तो अफ्तारी का टाइम नजदीक आता जा रहा है, मेरे हाथ पैर कांपने लग रहे हैं और मुझे अभी जाके गिटार के स्ट्रिंग्स भी बनवाने हैं, वो आपको, हाँ मेरे काम पे बहुत ज्यादा टांग रही है। मैं देखता हूँ अगर बाकी शॉप्स में अगर था तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। नहीं है। अच्छा तो कुछ ना होने की सूरत में आपका भाई चला गया फोन के पीछे शॉप पर लगवाने के लिए। तो मैं आ गया हूँ एक भाई के पास, यार मैंने कहा यार मैं इसका शॉपर लगवा देता हूँ ताकि स्क्रैचेस से बच जाए। लास्ट टाइम हुआ था तो डायरेक्ट अगले बंदे ने मेरे को कहा था 30,000 वाला मोबाइल मैं 22,000 का लूँगा। तो मैंने इतना लॉस नहीं करना। तो कोई काम नहीं हुआ, ना कोट दिया ना शूज दिया, तो अब मैं सोच रहा था कि मैं बहुत थक चुका हूँ और बस किसी भी तरह जल्दी जाके मैं स्ट्रिंग्स बनवाऊं और घर को जाऊं। अली बात सुन यार, आज तू ना जहां कहेगा वहां मैं तुझे खाना अभी इसी टाइम खिलाऊंगा, क्या बोलता है? बस ये देख मैं तेरे को मौका दे रहा हूं कि यार तूने कहां खाना खाना है, मैं तेरे को अभी अभी खिलाऊंगा। अभी अभी नहीं, नहीं नहीं अभी अभी खिलाऊंगा। नहीं अभी अभी नहीं यार। अच्छा तो शार्ट आवर में हम आ गए, अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं विल्सन्स म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो अली भाई जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये निकले अफ्तारी के लिए। तो हाँ शॉप तो ये, भाई के पास, भाई का नाम पूछते हैं, कैसे हो आप? खैरियत से? यार आपका नाम क्या है? नबील नाम है इस भाई का। और भाई आपका? सोबल। सोबल आपका? अरबाज खान। तो हम यहाँ पे आए हैं स्ट्रिंग्स वगैरह बनवाने के लिए, और भाई से मैंने फिर पूछा कि यार वो गिटार पे वो कोने पे ना थोड़ा ऐसे क्रैक क्रैक लग रहा है, तो ये टूट तो नहीं जाएगा? तो उन्होंने कहा कि यार नहीं टूटेगा नहीं, टूट भी गया ले आना वापस जोड़ दूंगा। सुबल भाई ये मैं खुद लगा सकता हूँ? अगर मैंने लगा लिया लगा सकते तो अगर टूट टूट गया फिर जुड़ जाएगा? सुबल भाई मुझे ऐसा करो आप दो दाने पिक दे दो। कितने की है पिक? 50 के। ठीक है दो दे दो मुझे, एक ब्लैक में दे दो, मैं खुद ले लेता हूँ, एक ब्लैक में ले लेते हैं और एक ये रेड में ले लेते हैं। ठीक हो गया, बाकी इसको एल्फी आपने लगा दिया, इसको सेट कर दिया आपने? तो यार ये आप ले लें। थैंक यू सोबल भाई, नबील भाई थैंक यू, अल्लाह हाफिज। स्ट्रिंग्स हमने बनवा ली और अब मुझे याद आया कि अगर मैंने हैदर भाई को उसका पावर बैंक नहीं पहुंचाया तो फिर मेरे को टॉन्ट मारेगा बंदा। यहीं से नज़दीक है उसका घर, तो एक दफ़ा चलते हैं हैदर भाई को अपना
उसका पावर बैंक उसकी अमानत उसे वापस देते हैं। टोंड नहीं मारेगा, बस वो उसके छोटे भाई के लिए बड़े भाई की उसकी मोहब्बत है, और आपको तो पता ही है कि बड़े भाई कैसे होते हैं और छोटे भाई कैसे। तो गाइस हैदर भाई को मैंने उसका पावर बैंक दे दिया, तो अब मैं अपनी जान से खलास हूँ, ये क्या मैंने बोल दिया। हाँ जो भी है, तो गाइस ये तो मेरा रमजान रूटीन का ब्लॉग, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और घंटी बजाना तो बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसका लिंक शेयर करूंगा, इंस्टा भी शेयर करूंगा, तो सारे जाके इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तब तक के लिए सी या।